वेलकम टू एसबी क्यूरियस। एसबी क्यूरियस में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आइए आज हम प्रोनाउन सीखेंगे। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। सर्वनाम आज हम सर्वनाम की डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद इसके कितने टाइप होते हैं, उसके उन टाइप्स में या उन प्रकार में, टाइप्स का मतलब प्रकार होता है, उन प्रकार में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो आइए वन बाई वन करके चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो चलिए आप सभी के साथ सीखते हैं। तो देखा जाए पहला जो वर्ड है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, सर्वनाम। ठीक है, इसकी हम सबसे पहले जो है डेफिनेशन देखते हैं। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसकी शुरू की चीज़ों को सीखा जाता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो कहाँ से क्या चीज़ें आई अस्तित्व में। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन शब्द इंग्लिश है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। इसकी हिंदी होती है परिभाषा। इसकी हिंदी क्या होती है, परिभाषा। ठीक है, तो जो ये शब्द प्रोनाउन है इसकी हम जो डेफिनेशन देखेंगे, ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, फिर से देखेंगे, ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, उसको हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, नाउन संज्ञा। ठीक है, जो ये संज्ञा शब्द लिखा गया है इसी की अंग्रेजी नाउन है। इसको अच्छे तरीके से कनेक्ट कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। क्या है, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं। संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसको और भी अच्छे से समझने के लिए और भी अच्छे तरीके से हिंदी में लिखा गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। क्या है, संज्ञा के स्थान पर या बदले में। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर बदले में या संज्ञा की बारंबारता को कम करने में मदद करने वाले शब्द को हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, संज्ञा के स्थान पर बदले में या संज्ञा की बारंबारता को कम करने में हमारी मदद करते हैं ये जो प्रोनाउंस है जिन्हें सर्वनाम बोलते हैं। यहाँ पर एक शब्द आप पाएंगे, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता का मतलब होता है किसी भी शब्द का या किसी भी वर्ड का बार बार आना। किसी भी शब्द या जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे किसी भी वर्ड का बार बार आना। ठीक है, अनेक बार आना। ठीक है, तो उसी की बारंबारता को कम करने की बात की जाएगी, उसी के स्थान पर दूसरे शब्द को रखने की बात की जाएगी, उसी के बदले में दूसरे शब्द को लाने की बात की जाएगी, और जो बदले में शब्द आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है, एक जो है उदाहरण के माध्यम से हमने बात जो है समझाने का प्रयास किया है आप सभी को। उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा कैसे आप लोग समझेंगे। तो आपका एक एग्जाम्पल है, राम इज ए बॉय, राम रीड्स ए बुक एंड राम प्लेज हॉकी वेरी वेल। राम इज ए बॉय, ठीक है, राम एक लड़का है। उसके बाद क्या है, राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। नेक्स्ट क्या है, राम एंड राम प्लेज हॉकी वेरी वेल, और राम हॉकी भी बहुत अच्छे तरीके से खेलता है। ठीक है, ये हमने जो स्टेप बाय स्टेप करके बताया। अब इस पूरे सेंटेंस को हम देखते हैं कैसे है, राम इज ए बॉय, राम रीड्स ए बुक एंड राम प्लेज हॉकी वेरी वेल। अब इसको साथ आप देख लीजिए एक साथ। ठीक है, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, राम रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है या किताब पढ़ता है, एंड राम प्लेज हॉकी वेरी वेल, और राम हॉकी भी बहुत अच्छे तरीके से खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, एक वर्ड क्या है, वो राम है। ठीक है, एक शब्द है जो राम है वो कई बार आया है। ठीक है,
पहली बार ये राम है, ठीक है, दूसरी बार भी क्या है ये वर्ड राम है, और तीसरी बार की जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया, ठीक है, सॉरी राम है, ठीक है। तो इसी वर्ड राम की बारंबारता को कम करने के लिए जिस शब्द को हम रख देंगे इसके स्थान पर, वही क्या कहलाएगा आपका, वही शब्द प्रोनाउन कहलाएगा। और आपकी डेफिनेशन जो होगी, जो आपकी परिभाषा होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त वे होने वाले शब्द, यहाँ आपकी वह परिभाषा क्या होती है, पूर्ण होती है। तो आइए इस वर्ड को हम जो रिमूव करते हैं, ठीक है, इस वर्ड को रिमूव करने के बाद, ठीक है, इसको हम रिमूव करेंगे। जब ये वर्ड हम रिमूव करेंगे, मान लीजिए राम को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है, राम को रिमूव करके हमने एक वर्ड यहाँ लिख दिया ही। उसके बाद फिर एक बार और राम मिल रहे हैं, हालांकि राम ईश्वर का नाम है, जितने बार लेंगे ठीक है उतना ही फायदा होगा, लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस की बात है, इस सेंटेंस को हमको करेक्ट करना है, इस सेंटेंस को हमको सही करना है। तो इस वर्ड को जो है हटा करके हमको इसके स्थान पर एक जो है सुटेबल वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, तो उसको हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये राम थर्ड टाइम आए हैं, ठीक है, थर्ड टाइम आए हैं, ठीक है, तीसरी बार आए हैं, यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे, यहाँ पर भी हम जो है ही लिख देंगे। इस तरीके से ये जो आपका सेंटेंस है, राम इज ए बॉय ही रीड्स ए बुक, यानी कि राम जो वर्ड हट गया उसके स्थान पर क्या आ गया, ही आ गया, एंड ही प्लेस हॉकी वेरी वेल, ठीक है, ही का प्रयोग करके हमने उस वर्ड को हटा दिया, यानी कि संज्ञा को हटा करके हमने किसका प्रयोग कर दिया, सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। और फिर बता दें आप लोगों से कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, तो बिल्कुल देखिए इस शब्द को हमने जो संज्ञा के स्थान पर लाया, ये दोनों वर्ड आपके क्या हुए, संज्ञा के स्थान पर आए और सर्वनाम इनको बोला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी डेफिनेशन जो है वो प्रूव हुई, सिद्ध हुई। और देखते हैं अब इसके जो है काइंड्स, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। संज्ञा की हमने बात की, ठीक है, संज्ञा को हमने पहले वीडियो में बताया था, वो 5 प्रकार की होती है, ठीक है। प्रोनाउंस तो उस तरीके से अगर आप कंपटीशन लेवल पर देखेंगे, आप लोग आगे चलकर कंपटीटर ही बनेंगे, ठीक है, कंपटीशन में इन्वॉल्व होंगे किसी ना किसी, तो जो प्रोनाउंस आपका है इसकी जो काइंड्स हैं, इसके जो प्रकार हैं, लगभग 9 प्रकार हैं, और हम लोग मेनली देखते हैं 7 से 8 प्रकार इसके प्रोनाउंस, 7 से 8 प्रकार में ही पूरा कंपटीशन आपका जो है सीमित है। तो आइए इसके जो है सर्वनाम के या प्रोनाउंस जिसे आप कहते हैं, हम सभी बोलते हैं प्रोनाउंस, ठीक है, सर्वनाम, उसके कितने प्रकार होते हैं और उस प्रकार में कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो आइए उनको भी एक के बाद एक देख लेते हैं। जैसे आपका है पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी हम देख लेंगे, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका पजस्सी प्रोनाउंस, पजस्सी प्रोनाउन की हिंदी होगी अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है वो डेमॉन्स्ट्रेशन से ही है, ठीक है। डेमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है संकेत देना, अगर किसी चीज़ को आप संकेत करके बताते हैं, किसी चीज़ को दिखाते हैं, तो उसका मतलब होता है डेमॉन्स्ट्रेशन करना, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट करना, संकेत करना, ठीक है। तो दूसरा आपका है, ठीक है, डेमॉन्स्ट्रेटिव, ये हमने तीसरे की बात कर दी, ठीक है। दूसरा आपका है पजस्सी प्रोनाउंस, पजस्सी प्रोनाउन का मतलब होता है आपका जो है अधिकारवाचक सर्वनाम, पजस्सी प्रोनाउंस का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद आता है, देखिए तीसरे नंबर की बात हमने दूसरे नंबर पर कर दी, कोई बात नहीं, उसको समझ लीजिएगा, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फिर देख लेते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम, अगर किसी चीज़ को आप संकेत करके बता देते हैं, ठीक है, बता रहे हैं, तो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की संज्ञा में आएगी, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, उसको आगे देखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, ये थोड़ी इसकी हिंदी जो है क्लिष्ट है, ठीक है, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, ठीक है, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, ये जब आप लोग थोड़ी सा आप लेवल, जैसे द स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 12th और हु आर इन क्लास 11th, व्हेन दे विल पास आउट द एग्ज़ाम ऑफ इंटरमीडिएट
एंड व्हेन दे विल प्रिपेयर फॉर एनीथिंग फॉर एनी कम्पटिटिव एग्जामिनेशंस, जब किसी जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो ये जो चीज़ें अभी आपको बताई जा रही है इस नॉर्मल लेवल पर, इस 9 to 12th क्लास के लेवल पर, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आगे देखनी होगी, समझनी होगी, पढ़नी होगी, जाननी होगी, ठीक है। तो लास्ट वन आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जिसकी हिंदी होती है, थोड़ी सा कठिन लगेगा लेकिन बार बार, चार बार आप लोग, 4 से 10 बार आप लोग रिपीट कर लेंगे, दोहरा लेंगे तो ये चीज़ें, क्योंकि दुनिया की कोई चीज़ कठिन नहीं होती, सब आसान है। ये चीज़ें आप पर डिपेंड करती है, आप किस तरीके से उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं, किस चीज़ किस तरीके से उस चीज़ को रिसीव करते हैं दिमाग में अपने। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों के लिए। डिस्ट्री प्रोनाउंस का मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है बेस्ट वाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं उनको भी देखेंगे। तो हम अब शुरू से देखते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउंस या जिसको हम बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें कौन कौन आएंगे। पहला आपका आई है, दूसरा वी है, तीसरा यू है, और चौथा दे है, पाँचवा ही सी इट। यानी कि आप अगर इसको फिंगर पर देखेंगे, आई वी यू दे ही सी इट, कितने हो गए, दीज आर 7, ठीक है। I, we, you, they, he, she, it 7 हो गए। दूसरा जो काइंड इसका देखेंगे, पजेसिव प्रोनाउंस, जिसको अधिकारवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। इसके अंडर में कौन कौन आएंगे, माइन आवर्स योर हिज, ठीक है। इसमें एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिएगा, ये प्रोनाउन की बात है। इसी तरीके से एक एडजेक्टिव जब आप लोग सीखेंगे, एडजेक्टिव में बताया जाएगा कि कौन से वर्ड पजेसिव प्रोनाउंस हैं और कौन से वर्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। इसकी वीडियो आगे आप लोगों को बताई जाएगी, इसकी जो है क्लासेस आपको आगे बताया जाएगा, आगे शेड्यूल किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है जो है ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। इसके कैटेगरी में या इसके अंडर में कितने वर्ड्स आएंगे या कौन कौन से वर्ड्स इसके अंडर में हैं या किन वर्ड्स को हम डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में रखेंगे, डेमॉन्स्ट्रेटिव सर्वनाम के रूप में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन है, दिस दैट दीज एंड दोज, कौन कौन से हैं, दिस दैट दीज एंड दोज, 4 आपके हैं, ठीक है। लास्ट वाला आपका है जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जो फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो है बार बार देखिएगा इसको, हमेशा देखिएगा, जितनी बार ना आए उतनी बार देखिएगा, ठीक है, मज़ा आएगा जितनी बार आप देखेंगे, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे, उतना आप परफेक्टनेस की तरफ, पूर्णता की तरफ जाएंगे, उतना आप धीरे धीरे जो है पूर्ण होने की तरफ अग्रसर होंगे, ठीक है। और आप लोग जो बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही इंसान को या जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको पूर्ण बनाता है, ठीक है। तो हमेशा अभ्यास करते रहिए, अनवरत प्रयास करते रहिए, हमेशा लगे रहिए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो बेस्ट वाचक सर्वनाम है, इसमें है ईच, ईदर एंड नीदर। थोड़ी सा ये कठिन है, आप, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सा बस कठिन है, लेकिन जब आप 12th पास आउट करेंगे, जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो तुरंत आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तुरंत ये आपके जो है सिलेबस में इंक्लूड कर लिया जाएगा, चाहे आप SSC की तैयारी करें, हार्ड और वाट एवर एग्जामिनेशंस यू आर गोइंग टू अपीयर और वाट एवर एग्जामिनेशंस यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर, यू विल गेट दीज थिंग्स, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर प्रोनाउन इन अ वेरी माइन्यूट वे, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी ल्यूसिड वे, देन यू विल गेट कनेक्टेड एवरीथिंग, ओके। एंड एक बार और देखते हैं इसमें कौन आएंगे, ईच, ईदर एंड नीदर। ईच, देखिए बहुत से लोग इसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी ऑड करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर, ऐसा बिल्कुल नहीं आप लोगों को करना है। आप लोग अभी से प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए और वर्ड की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ती चलिए, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आगे समझ में आएंगी, आगे आप अच्छा करेंगे, ठीक है। तो फिर देखते हैं ईच, ईदर एंड नीदर, ईच, आइदर और नाइदर नहीं, ईच, ईदर एंड नीदर।
तो इस तरीके से हमने कोशिश की आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने में, ठीक है। अगर इसमें कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए या समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट्स के माध्यम से अपनी उस प्रॉब्लम को बताइए, उस पर वर्क करके आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, ठीक है। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है बहुत अच्छे तरीक़े से पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार वीडियोज़ को देखिए अच्छे तरीके से। जो भी चीज़ ना आए उसकी आप फीडबैकिंग दीजिए, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सब चीज़ों को सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल व्यूअर्स। धन्यवाद।